हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करने वाले हैं कोस्ट गार्ड, डीबी, जीडी, यांत्रिक सभी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सभी का सबसे ज़्यादा एक प्रॉब्लम फिर से स्टार्ट हो चुका है कि फिर से मेल आ गया और मेल क्या आया है, अब क्या करें, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो चुका है कि क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहीं ये गलती आपने भी तो नहीं किया, तो फटाफट वीडियो को फुल वॉच करना है, मतलब कि स्किप बिल्कुल भी मत करना है, अदरवाइज आपका डाउट बना रहेगा। क्योंकि मेल का जो क्वेरी है वो बार बार कई सारे बच्चों का आ भी रहा था कि मेल नहीं आ रहा है, मेल क्यों, जिसका प्रॉब्लम है, बहुत से बच्चों को मेल नहीं आया था, तो वो भी प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्यूशन का एक जरिया जो भी है बताने वाला हूँ। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास, जो भी बच्चे कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोस्ट गार्ड का उन्होंने फिजिकल वगैरह कंप्लीट कर लिया है और वो वेट कर रहे हैं मेरिट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है परमजीत और आप देख रहे हैं परमजीत क्लासेस यूट्यूब चैनल। चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में आस कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, 100% आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पे जरूर ऐड हो जाएगा, जो भी इन्फॉर्मेशन अपडेट वगैरह आते रहते हैं तो वहीं पर हम आपको शेयर करते रहते हैं, तो वहाँ पर आप टाइम टू टाइम अपडेट होते रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं इसको, और मतलब कि क्या मेल आया वो आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक व्हाट्सएप पे यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, ये व्हाट्सएप है और एक बच्चे ने मुझे भेजा है, और ये ज़्यादा दूर के नहीं है, मतलब कि है छपरा से ही, छपरा से आसपास के हैं, जिन्होंने मुझे भेजा, आज ही भेजा है 5:59 पर, राइट। ये आप टाइमिंग वगैरह सब कुछ देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइमिंग, मैं इसको ओपन कर देता हूँ, देख सकते हैं। ये इन्होंने भेजा मुझे इसकी स्क्रीनशॉट डॉक्यूमेंट डिफिशिएंसी CGEPT 2022 का, यहाँ पे देखते हैं डायरेक्टर रिक्रूटमेंट जो आता है यहाँ पे, डियर कैंडिडेट यू हैव अपीयर्ड फॉर स्टेज टू एग्जामिनेशन ऑफ CGEPT 2022 एट चेन्नई, कहाँ पे इन्होंने मतलब कि आप अपीयर हुए थे स्टेज टू के लिए चेन्नई में, यू आर नॉट इन्फॉर्म अबाउट एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंसी डिफिशिएंसी एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट स्टेज टू एग्जामिनेशन, मतलब कि आपके द्वारा कोई भी ये नहीं बताया कि मेरा ये डॉक्यूमेंट वगैरह में कमी वगैरह है। हाउएवर ड्यूरिंग फर्दर स्क्रूटनी ऑफ द डॉक्यूमेंट, जो भी आपका है फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसी हैज बीन ऑब्जर्व इन योर ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो भी वहाँ पे अगर चेक हुआ, क्यों आपको मैंने बताया, पहले भी बताया था, मेल वगैरह आया था तो मैंने बताया था कि वहाँ पे चेक किया जा रहा है, और जैसे जैसे जिसका चेक किया जा रहा है उसके हिसाब से आपको मेल आ रहा है। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया है कि आपके डॉक्यूमेंट में ये कमी है, तो डॉक्यूमेंट अपलोडेड बाई यू इन द अप्लीकेशन फॉर्म, जो ने अपने अपलोड किया है, और डेट ऑफ इशू ऑफ कैटेगरी, जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसका मिसमैच है, कैटेगरी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट डिफिशिएंसी यहाँ पे पैरा दिया गया है, ई एडमिट कार्ड अपेंडिक्स ए ऑफ ई एडमिट कार्ड। अब बहुत से बच्चे सोचेंगे कि कहीं अपने एडिट वगैरह तो नहीं किया, तो जस्ट वेट, मैं वो भी दिखा देता हूँ। मैंने इनसे बोला कि PDF भेजिए, क्योंकि PDF कब आया है मतलब इसमें डेट मेंशन है, इन्होंने बोला, तो मैंने बोला कि ईमेल खोल के तब भेजो, ऊपर से स्क्रीनशॉट लेके, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, ये इसलिए ये है प्रूफ के साथ, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि अपने से वीडियो बनाने के लिए कुछ भी कर लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी मेरा ये मोटिव नहीं रहता है जिसको आपको डिस्टर्ब किया जाए, तो जो भी इन्फो जेन्युइन आता है वही शेयर किया जाता है। तो मैं आपको अब मैं PDF भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डॉक्यूमेंट डिफिशिएंसी का, जो यहाँ पर जीमेल डॉक्यूमेंट डिफिशिएंसी यहाँ पर PDF उन्होंने भेजा मुझे, अब मैं इसको ओपन कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ सबको। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डॉक्यूमेंट डिफिशिएंसी CGEPT 2022 यहाँ पे, और ये देखिए टाइम वगैरह सब कुछ देख सकते हैं, मंडे 4 जुलाई आज का डेट है 2022, 4:43 पर ये इनको आया, और इन्हें भेजा, इन्होंने मुझे भेजा 5:59, मतलब कि 6 बजे करीब में जब मैं क्लास ले रहा था उस समय ये मैसेज आया मुझे, इन्होंने मुझे शेयर किया स्क्रीनशॉट, तो मैंने बोला कि आप PDF भेजिए, ओके। उसके बाद डियर कैंडिडेट यू हैव अपीयर्ड, फिर से वही मैसेज है जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट में दिखाया, बैच एट चेन्नई, यू आर नॉट इन्फॉर्म अबाउट, ये वही चीज़ दिया गया, आप फिर से पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें तो। डेट ऑफ इशू ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट में आपका जो डेट ऑफ इशू है वो मिसमैच है, आपने जो है वो अलग चीज़ है, जो अपलोड किया वो अलग है, और आपने जो अपलोड कर दिया है नंबर लिखना होता है, कैटेगरी सर्टिफिकेट डेट ऑफ जो इशू होता है वो आपने अलग लिख दिया है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ रिक्रूटमेंट कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर सी ब्लॉक सेक्टर 62 गौतम बुद्ध नगर नोएडा UP, ये देख सकते हैं सब कुछ, और मैं आपको यहाँ पर ये देख सकता हूँ, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव, और ये इस टाइप से आया है मेल। अब मैं आपको कुछ और भी चीज़ें दिखाना चाहूँगा कि मेल तो आ गया, इसका मतलब क्या है, अब क्या करें, क्या रिप्लाई करें, क्या नहीं करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, वो मैं डिस्कस कर लेता हूं कि अब करना क्या है, जस्ट वेट एंड वॉच। अभी मैं आ चुका हूं कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और जैसा कि आपको यहां पे दिखाई दे रहा है मैं आपको दिखा देता हूं, ये जस्ट वेट, ये थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जा रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा आप वेट कीजिए, यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूँगा, मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, जस्ट वेट, एंड उसके बाद मैं आपको ये दिखाता हूँ, ओके। थोड़ा सा वेट कीजिए, ये इधर हो जाए,
यहाँ पे आप देखिए ये जो चल रहा है लाइनिंग अब आएगा जो ये तो इम्पोर्टेंट नोटिस जो आया था रिगार्डिंग स्टेज थ्री का डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन करने के लिए। अब मैं आपको वो वाला दिखा देता हूँ जो पिछली बार आया था जो 1/2022 बैच के लिए, वो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हाँ ये देखिए लिस्ट ऑफ 11 कैंडिडेट्स विथ डॉक्यूमेंट डिफिशिएंसी आफ्टर स्टेज टू अर्जेंट एक्शन बाय कैंडिडेट, और ये अब की बार का नहीं है पिछली बार का है। तो जस्ट वेट मैं इसको ओपन कर लूँ। तो सबसे पहले मैंने नोटिफिकेशन ओपन किया इसलिए कि यहाँ पे आप पढ़िएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोविजनली पास या फेल ऑल द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज़ टू मैच विथ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। जो भी आपने प्रोवाइड किया है डॉक्यूमेंट मतलब कि प्रोवाइड किया है आपने डॉक्यूमेंट वो ऑनलाइन एप्लीकेशन में वो मैच होने चाहिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से। लाइक ग्रेड 10th 12th का डिप्लोमा का मार्कशीट आइडेंटिटी कार्ड हो गया कास्ट सर्टिफिकेट हो गया इंडिविजुअल सब्जेक्ट वगैरह एंड एग्रीगेट मार्क्स वगैरह ये सब हो गया एंड इन ऑल द डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन विथ रिस्पेक्ट टू नेम डेट ऑफ बर्थ पेरेंट्स नेम परसेंटेज ऑफ मार्क्स वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट कास्ट सर्टिफिकेट डिटेल्स जो दिया गया है ये सारा कुछ आपका जो है ना चाहिए जो आपने अपलोड किया वही आपका जो आपने जैसे कि टाइप किया है कि मान लीजिए ये इशू डेट है ये सब आपका सेम होना चाहिए। यहाँ पे आप थोड़ा पढ़िएगा इन फेलियर इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड द कैंडिडेट विल बी कैंसिल कर दिया जाएगा यहाँ पे लिखा गया। जब ये आपको जब मैंने बोला कि कैंसिल कर दिया जाएगा तो यहाँ पे जिसका भी मेल आया वो तो कन्फ्यूज़ हो गए कि अब क्या करेंगे, तो मेरा कैंडिडेचर ही कैंसिल कर दिया जाएगा मुझे ज्वाइनिंग पे बुलाया ही नहीं जाएगा। तो यहाँ पे देखिए द डेट ऑफ इशू ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट हैज़ टू बी द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन और एनी डॉक्यूमेंट डेट प्रियर टू क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन द वैलिडिटी ऑफ ऑल अपलोडेड जितना भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उसकी वैलिडिटी 31 अक्टूबर 2022 तक होना चाहिए। इनकेस ऑफ एनी मिसमैच ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी आपने अगर बाई चांस कोई भी आपने मिसमैच कर दिया है प्रोवाइड किया है डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम पे डॉक्यूमेंट अपलोडेड एट ऑनलाइन स्टेज वन स्टेज टू एंड द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन एट स्टेज टू स्टेज टू के दौरान देन द कैंडिडेचर विल बी कैंसिल कर दिया जाएगा। मतलब कि साफ साफ लिखा कि स्टेज टू के वन के दौरान या फिर स्टेज टू के दौरान या फिर स्टेज टू जब फिजिकल वेरिफिकेशन जब फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा था उस टाइम पर भी अगर आपने कुछ ऐसा किया है तो आपको हटा दिया जाएगा। एनी फॉल्स डिक्लेरेशन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर। कॉमन रीजन फॉर रिजेक्शन ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैन बी चेक एट, ये दिया गया है कॉमन रीजन का वो इस पर आप जब मैं इसको ओपन करूंगा तो थोड़ा सा। अब ये देखिए ये लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जो पिछली बार का डॉक्यूमेंट में जिनका कमी था ये उनका नाम वगैरह है विश्वजीत दे, ये ऑलरेडी कुछ बच्चे हैं जो ज्वाइनिंग कर चुके हैं कुछ का कमी था वो आउट हो चुके हैं मतलब कि जिन्होंने सबमिट नहीं किया। तो 11 बच्चों का पिछली बार आया था तो उसी तरह इस बार भी आपका जो है वो मतलब कि जो बोलते हैं जिसका भी डॉक्यूमेंट में जिसका प्रॉब्लम है जैसे ये देख सकते हैं 12th का मार्कशीट में मिसमैच है परसेंटेज मिसमैच है कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर, तो इस टाइप से आपका भी क्या होगा आपको भी मतलब कि एक लिस्ट आ जाएगा और जिसमें आपका नाम रहेगा आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह किस पोस्ट से आप अप्लाई किए हैं जीडी का डीबी का जो भी यांत्रिक है और जो भी आपका कमी रहेगा यहाँ पे बता दिया जाएगा और आपको एक डेट दिया जाएगा जैसे द अबव कैंडिडेट आर डायरेक्टेड टू रिप्लाई टू द ईमेल सेंड बाय मतलब 11/27/2021 दस फेलिंग विच देयर कैंडिडेचर विल बी कैंसिल 27/2021 के पहले आपको यहाँ पे भेज देना होगा ईमेल पर रिप्लाई करना होगा नहीं तो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा कैंडिडेचर, यहाँ पे साफ साफ ये लिखा गया है। और ये आया था कब ये देख सकते हैं ये आया था पिछली बार और इस टाइप से फिर से आएगा तो आप लोग निश्चिंत रहिए जिसका भी डॉक्यूमेंट में जो आ रहा है वो अपना डॉक्यूमेंट को रेडी करे जिसका भी जो प्रॉब्लम है ये आप पढ़ सकते हैं। और कॉमन रीज़न अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो कॉमन रीज़न ये सब है डॉक्यूमेंट डिफिशिएंसी इस टाइप से आपका रीज़न भी आएगा आपका क्या प्रॉब्लम है ओके। और बाकी का आप मैंने सब कुछ क्लियर कर ही दिया कि क्या आपका प्रॉब्लम चल रहा है, अदरवाइज अब अभी भी कोई आपका डाउट बचा हो तो कमेंट सेक्शन में आस्क कीजिएगा एंड नंबर दे ही रखा है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर वहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा और कोई भी डाउट हो कोई भी क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा 100% आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो बिल्कुल भी जिसको भी मेल आ रहा है वो हमें ज़रूर फॉरवर्ड करें और ये जिस बच्चे का मेल है ओके वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देंगे कि हाँ ये मेल मेरा ही है मैंने भेजा है, नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं फेक अभी भी जिसको लग रहा है फेक है तो भाई वीडियो ना देखा करें क्योंकि आप लोग कुछ बच्चे हैं जो डिस्टर्ब करने आते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी मत ना करिए। और ये वीडियो आपके लिए सिर्फ ये डराने का मोटिव नहीं है और ये मोटिव बस इतना ही है कि आप सटीक जानकारी लें और जो भी इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले आप तक पहुँचे एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि जो अपडेट है सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। डरना नहीं है बिल्कुल जो भी आए इन्फॉर्मेशन आए मेल अपना चेक करते रहना है जो भी है जो पास है फेल है सब अपना मेल चेक करते रहना है जब तक ज्वाइन नहीं हो जाए ये बार बार बोलते हैं और फिर से बोल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।